गिजर के गांव शुलजा में पहाड़ के दामन से निकलने वाला पानी पत्थर बनाता है। मुकामी लोग साल में दो दफ़ा नदी से पत्थर निकालकर इन पत्थरों से अपने लिए मकान तामीर करते हैं। गांव की मस्जिद भी इन पत्थरों से तामीर की गई है। गांव के लोग इस पानी से न सिर्फ अपने खेतों को सैराब करते हैं बल्कि खाने पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी जो ये पत्थर बनाते हैं, साल में दो दफ़ा हम नाली को साफ़ करते हैं। हम जो भी हमारे क्लासमेट्स मिलते हैं या दूसरे लोग मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये पानी तो पत्थर बनाते हैं, खेतों में पत्थर बनाते हैं, हर जगह में, लेकिन आपके अंदर ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये हमारे अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं भी हो भी सकता है, लेकिन हमारा मुतालबा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट या दूसरे जो इदारे हैं वो एक दफ़ा ज़रूर आए और इसको टेस्ट कर ले ताकि हमें पता चल सके कि हम साफ़ पानी पी रहे हैं या गंदा। ये मैंने इसको मतलब जो है इतनी कोशिश की भी इसको तोड़ू, लेकिन ये टूट नहीं सका। ये देखें आप, ये बिल्कुल मुकम्मल पत्थर है। इस किस्म के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे बने हैं और ये ताजिब की बात है कि इसमें पता नहीं ये कौन सी केमिकल कंपोजिशन है इस पानी के अंदर, और ये जो है ना नीचे बहते पानी से ये साइड में इसके बड़े मतलब केले नवा हो जाते हैं और लोग यहाँ से निकाल कर यहाँ पे अपनी तामीरात, और मैंने वो यहाँ मैंने यहाँ तक तो एक मस्जिद की तामीर हुई इन पत्थरों से। गांव शुलजा के मकीनों ने गिजर की इंतजामिया और महकमे सेहत के हुकाम से इस पानी की लेबॉरेटरी टेस्ट कराने का मुतालबा किया है। दुर्दाना शेर, आज न्यूज़, गिजर।